हेलो एवरीवन यू ऑल आर वाचिंग आइस बी सिम्प्लीफाइड और 12 अप्रैल करंट अफेयर का हम लोग देखने जा रहे हैं करंट अफेयर का जो सोर्स होगा मेरा पीआईबी इंडिया जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया है वो मैं यूज़ करता हूं उसके साथ साथ द हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस को यूज़ करूँगा और उस, उसके साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के एक डिफरेंट डिफाइंड पोर्टल्स जो बनाए जाते हैं उससे मैं कंटेंट को लेता हूँ इसके साथ साथ और भी कुछ कर, आ, कुछ मैटर्स जो फैक्ट जो होते हैं फैक्ट्स वो मैं कहीं किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से भी उठाता हूँ ठीक है ना तो लेट्स विद टू डेज करंट अफेयर बारह अप्रैल करंट अफेयर विदाउट एनी डिले आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना उसमें सबसे पहला न्यूज है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी जो आप अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है उसको एज ए नेशनल पार्टी ये बहुत ही बड़ी न्यूज है उनके लिए भी और हमारे पूरे इंडियन जितने भी इंडियन टाइस्फोरा हैं सबके लिए देखिए आप ना आम आदमी पार्टी ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है ठीक है नो डाउट इन दैट टू स्टार्ट विद अ सिंगल ग्रुप विद अ सिंपल ग्रुप एंड टू वेंट आउट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एंड बिकम अ नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया इज इज अ क्वाइट ऑसम परफॉर्मेंस बाई देम तो आप अब राष्ट, राष्ट्रीय पार्टी है नेशनल पार्टी है और जो कंडीशंस होते हैं नेशनल पार्टी की वो हम लोग समझेंगे और साथ साथ कंडीशन के साथ क्या स्टेटमेंट कैरी करेंगे क्या इंपॉर्टेंस कैरी करेंगे वो भी हम समझेंगे टू तो लिट्स विद दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है नेशनल पार्टी स्टेटस अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी को आम आदमी पार्टी जो है आप जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए स्टेट पार्टी इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आप अगर कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो तो मेरे को एनसी एंड एनसीआर के बीच में डिफरेंस बताइए अगर आपको नहीं भी पता है ना तो आप एक बार गूगल कर लीजिए ठीक है इसके साथ साथ कुछ कुछ पार्टी हैं नेशनल पार्टी ऐसी थी जो अपने नेशनल पार्टी के स्टेटस को लूज किए हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ये लॉस्ट किए हैं नेशनल पार्टी के स्टेटस को कुछ ऐसे भी हैं जिनको स्टेट पार्टी की दर्जा मिली है जैसे लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान जी की थी उन्होंने रिसीव किया है रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी इन नागालैंड त्रिपुरा मोथा पार्टी कॉट रिकॉग्निशन एज स्टेट पार्टी इन त्रिपुरा तो ये दो पार्टी का नाम आपको याद रखना है अब अगर हम बात करें कंट्रीज में टोटल पार्टी की तो टोटल सिक्स नेशनल पार्टीज हैं बीजेपी कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी जिसको बी कहते हैं सीपीआईएम नेशनल पार्टी एनपीपी एंड आप, आपका नया इंट्रोडक्शन हुआ है टोटल पार्टीज हो गई जो नेशनल पार्टी हो गई अब ठीक है ना अब हम लोग समझते हैं कंडीशंस को आखिर इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्या कंडीशंस लगाए हैं तो लगभग तो टोटल तीन कंडीशंस हैं जिसके थ्रू किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा और ये किस चीज के अकॉर्डिंग तो इलेक्शन सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगा उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए नेशनल पार्टी अगर वो कुछ चीजों को सेटिस्फाई करता है कुछ तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो कंडीशन हैं अगर कोई वो पार्टी एटलीस्ट टू वोट को लाता है लोकसभा इलेक्शन में जो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का दो सीट्स को लाता है और जिसमें फ्रॉम एटलीस्ट थ्री डिफरेंट स्टेट्स इन जनरल इलेक्शन तो लगभग तीन डिफरेंट स्टेट से दो परसेंट सीट्स को लेके वो लोकसभा में आता है तो ये पहला कंडीशन होगा दूसरा कंडीशन क्या है इफ द पार्टी एटलीस्ट सिक्योरसेंट ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स फोल्ड इन एनी फोर और मोर स्टेट्स एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली तो देखिए अगर कोई पार्टी है वो कम से कम एटलीस्ट कहने का मतलब क्या हुआ लेस देन इक्वल्स टू सिक्स परसेंट कम से कम आई एम सॉरी लेस देन देन टू टू ग्रेटर होगा तो कम से कम छह परसेंट का टोटल वैलिड जितने वोट्स पड़े हैं उस कम से कम चार स्टेट्स में जनरल इलेक्शन में जो कि लोकसभा की इलेक्शन होती है लेजिस्लेटिव असेंबली वाली उसमें कम से कम अगर छह परसेंट उनको वोट मिलता है ना तो भी वो अलाउड होंगे सेकेंड कंडीशन के लिए साथ में तीसरा कंडीशन क्या है इफ द पार्टी इज एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट फोर स्टेट्स तो स्टेट्स पार्टी की तरह रिकॉग्निशन मिले कम से कम चार स्टेट्स में तो भी वो नेशनल पार्टी का दर्जा ले सकती है तो ये तीन कंडीशन कभी -कभी में और ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी न्यूज में आपको लेके आम आदमी पार्टी को लेके तो आपको ये याद रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए अब कुछ चीजें हम लोग समझते हैं इलेक्शन कमीशन इंडिया फॉर्म कब किया था पच्चीस जनवरी नाइनटीन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है राजीव कुमार जी हैं ठीक है अब एक चीज और समझ लेते हैं कि आखिर अगर किसी को नेशनल पार्टी का वो मिल जाता है स्टेटस मिल जाता है तो उससे एडवांटेज क्या होता है उस पार्टी के लिए फायदा क्या होता है तो देखिए फायदा क्या क्या है सबसे पहले तो सिंबल्स का फायदा है एक रिजर्व पार्टी के सिंबल को वो यूज कर सकते हैं सारे इलेक्शंस के लिए जो कि हमारे कंट्री में कहीं भी होंगे यह सिंबल जो होगा यूनिक होगा पार्टी का एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनीवन एल्स जैसे झारू अब इसको सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी यूज कर सकते हैं पूरे पूरे इंडिया में इसको सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी यूज कर सकती है पूरे इंडिया में और इंडिया में कहीं भी इलेक्शन होगा वो झाड़ू के सिंबल को यूज कर सकते हैं ठीक है अब क्या है दूसरी चीज क्या है द एबिलिटी टू फील्ड कैंडिडेट इन एनी स्टेट एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री विच कैन हेल्प द पार्टी एक्सपेंड इट्स सपोर्ट बेस तो सपोर्ट बेस को बढ़ा सकते हैं फील्ड कैंडिडेट्स को बढ़ा सकते हैं कि, किसी भी स्टेट में किसी भी स्टेट में वो फिल्ड स्टेट्स को फिल्ड पार्टी को फिल्ड कैंडिडेट को बढ़ा सकते हैं साथ में ही एक प्रिविलेज दिया आता है स्टार कैंपेनर का ठीक है एक प्रिविलेज दिया आता चालीस स्टार कैंपेनर को वो यूज कर सकते हैं अगर वो नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया है तो वो चालीस स्टार कैंपेनर्स को यूज कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जो कि लगभग दोगुना है बीस अलाउ किया जाएगा अगर वो नेशनल पार्टी नहीं है तो अगर वो नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो चालीस स्टार कैंपेनर जैसे सन्नी देओल को यूज कर सकते हैं जैसे मिल्खा सिंह अगर होते तो उनको यूज कर, कर, तो कर सकते हैं युवराज सिंह को यूज कर सकते हैं तो चालीस स्टार कैंपेनर को यूज कर सकते हैं ठीक है अगर वो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है नेशनल पार्टी की तरह अनरिकोग्नाइज पार्टी है तो वो बीस कर सकती है मतलब दोगुना आपको मौका मिलेगा दोगुने नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर को आप यूज ला सकते हो ठीक है और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टार कैंपेनर होंगे ना उनके जो खर्चे होंगे उनको काउंट नहीं किया जाएगा पार्टी के ओवरऑल इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंसेस में समझ में आया कि ओवरऑल जो खर्चे एक लिमिट बनाया जाता है कि इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हो इलेक्शन के लिए तो उसमें यह काउंट नहीं होगा आप जो स्टार कैंपेनर को लेके आओगे पैसे दे उसमें यह काउंट नहीं होगा कि आप जो चालीस लेके आए हो उस पर कितनी खर्च हो रहे हैं उसको इलेक्शन के लिए काउंट नहीं किया जाएगा ये बहुत ही अच्छी बात है साथ साथ में जो एलोकेशन होंगे लैंड के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के पार्टी हेडक्वार्टर्स के लिए वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इनको एक चीज और है कि एक एडवांटेज ये होता है कि वन प्रपोजल रिक्वायर फॉर सबमिटिंग अ नॉमिनेशन कंपेयर टू टू प्रपोजल फॉर अदर पार्टीज एडिशनली ड्यूरिंग रोल रिविजन नेशनल पार्टीज आर प्रोवाइडेड विद टू फ्री सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स दो सेट्स मिलेंगे इनको इलेक्टोरल रोल्स की और एक फ्री इलेक्टोरल रोल्स मिलेगी कैंडिडेट को जनरल इलेक्शन के वक्त तो इनके पास स्पेसेस बढ़ जाएंगे इनके पास इलेक्शंस में नॉमिनेशंस करने के लिए या फिर किसी चीज के लिए स्पेसेस बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होता है इनकी जो फाइव फाइटिंग कैपेबिलिटी होती है वो एक इन्फ्लुएंसिव और रेग्रेसिव मैनर में बढ़ती है तो ये सारा एडवांटेज था बिंग ए नेशनल पार्टी इन इंडिया अब आगे मूव करते हैं तो नेशनल पार्टी आपको पता चल गया आज का सबसे बेहतरीन करंट अफेयर था इसको जानना बहुत जरूरी था ठीक है तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021 हजार वो रिलीज किया गया है रिलीज किया गया है पावर मिनिस्टर आर के सिंह जी के द्वारा न्यू दिल्ली में तो अब इसके अकॉर्डिंग स्टेट एनर्जी एफिशंसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल राजस्थान और तेलंगाना ये फ्रंट रनर्स स्टेट है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स के, के में अगर हम लोग बात करें अचीवर्स कैटेगरी की तो स्कोर लगभग पचास साठ के बीच वालों को स्कोर अचीवर करते हैं अचीवर कैटेगरी में रखते हैं इसमें असम हरियाणा महाराष्ट्र एंड पंजाब आया है इनको अचीवर कैटेगरी में इसलिए डाला गया क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स में काफी काम किया है फॉर एनर्जी एफिशियंसी इंडेक्स अब अगर हम बात करें एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स में तो इनको चार टाइप में बांटा जाता है एक होते हैं फ्रंट रनर एक होते हैं अचीवर एक होता है कंटेंडर एक होते हैं एस्परेंट यह रिपोर्ट रिलीज किया गया पावर मिनिस्टर आर के सिंह के द्वारा नई दिल्ली में बी जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी होता है जो कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं जैसे मान लीजिए फिफ्टी हर्ज ठीक है फिफ्टी हर्ज फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करी कोई डिवाइस तो वो बी के द्वारा बताया जाता है आपको 230 वोल्ट ठीक है तो ये भी उनके द्वारा नोट किया जाएगा अब देखिए बी जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फर्स्ट मार्च 2002 को अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ठीक है ना अब देखिए स्टेट एनर्जी इफिशियंसी की बात कर ले तो पांच स्टेट ने फ्रंट रनर कैटेगरी में सिक्सटी प्लस पॉइंट किया है सिक्सटी प्लस, प्लस, प्लस होगा तो फ्रंट रनर ठीक है सिक्सटी से लेस होगा तो तो अचीवर कैटेगरी ठीक है ना तो आंध्रा कर्नाटक केरल राजस्थान एंड तेलंगाना फ्रंट रनर में रहे हैं चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगर देखे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तौर पर तो पूरे वर्ल्ड की पहली एशियन किंग वल्चर ये जो आप देख रहे हैं ना ये है एशियन किंग वल्चर इनके कंजर्वेशन सेंटर को बिल्ड किया गया महाराजगंज यूपी में जो कि गोरखपुर के पास है तो यह चीज याद रखिएगा कल कौन सा सेंटर है कंजर्वेशन सेंटर है एक एक होता है ब्रीडिंग सेंटर आप मुझे बताइएगा इंडिया में पहली ब्रीडिंग सेंटर कहां बनी है वल्चर के लिए एशियन किंग वल्चर के लिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूं कि डॉल्फिन डौल्फ, जो होता है या फिर गैंगेटिक डॉल्फिन ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां बना है गैंगेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन रिसर्च कहां पर है दोनों बताइएगा अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं तो उस कंजर्वेशन रिसर्च का नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जेसीबीसी सेटअप किया गया वर्ल्ड का पहला है कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बिल्ट एंड डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर जो मैंने आपको दिखाया एशियन किंग वल्चर के जो हैं उनके लिए पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर को बनाया गया है जेसीबीसी जो है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर यह बिल्ट किया गया आपको महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में जो कि लोकेटेड है आपको गोरखपुर फॉरेस्ट डिविजन ऑफ उत्तर प्रदेश में ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेंटर का तो ब्रीड किंग वल्चर्स ब्रीडिंग करना है कैप्टिविटी में और साथ साथ में साथ साथ में वाई इनको मेंटेन एंड सस्टेबल पॉपुलेशन स्पेसीज को इंक्रीज करवाना है जो इनका जो स्पेसीज है सस्टेनेबल जो पॉपुलेशन है जो जो घटते जा रही है टाइम टाइम के साथ तो उसको इंक्रीज कराना है ठीक है ना देखिये क्लोडो फ्लोडो कार्बनिक होता है ना जो हम लोग यूज करते हैं या फिर आप मान लीजिए कोई यूरिया यूज कर रहा है या फिर कोई फर्टिलाइजर यूज कर रहा है उस काउस खाने को खा रही है बाद में उस काऊ को आके ये वल्चर खा रहे हैं तो उनके बॉडी में चला जा रहा है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जा रही है बहुत ज्यादा अगर हम लोग बात करें एशियन किंग वल्चर की ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं और प्रोटेक्टेड हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड इनका स्टेटस है इस चीज को याद रखेगा एग्जाम में पूछेगा अगर हम लोग बात कर ले द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज वर्थ अराउंड पंद्रह करोड़ एंड स्प्रेड ओवर वन पॉइंट फाइव हेक्टेयर एरिया तो जो जटायू कंजर्वेशन एंड ब्रिडिंग सेंटर जेसीबीसी बनने वाला है उसकी कीमत आएगी पंद्रह करोड़ रुपए और ये स्प्रेड होगा आपको डेर हेक्टर में लगभग अब हम लोग एक एक चीज जान लेते हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर एक है उसके तहत क्या कंडीशन आ रहे हैं क्या गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है उसको समझते हैं बेसिक क्या है ना कि जो म, म, रूरल इंडिया है ना उसमें कल्चरल कल्चरल एसेट्स को मार्क करना है रूरल इंडिया में कल्चरल एसेट्स को मार्क करना है मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि विलेजेस कि हैं बहुत सारे हमारे कंट्री में उस वो कैसे मार्ग हैं अपने कल्चरली वो कल्चरली कैसे डिस्टिंक्ट है बाहर हर चीज़ों से या फिर एक एक विलेज दूसरे विलेज से कल्चरली कैसे डिस्टिंक्ट है इसको हम लोग मार्क करेंगे मेरा गाँव मेरी धरोहर में ठीक है थीके? तो मिशन टू मैप रूरल इंडिया कल्चरल एसेट्स कवर वन लैक विलेज एक लाख विलेज को कवर किया जाएगा और साथ साथ में ही यह विलेज जो होगा कवर्ड होगा मेरा गांव मेरी धारोहर प्रोग्राम के तहत जो कि अवेलेबल होगा मे से वेब पोर्टल पे पोर्टल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पोर्टल एक इस तरह की वेबसाइट होती है जहां पे क्रेडेंशियल दिया जाता है लॉग आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है वेबसाइट जहां सारे लोग विजिट कर सकते हैं ठीक है चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं यह जो प्रोग्राम है ना यह एक प्रोग्राम है नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग इनके तहत लाया गया है यह मैपिंग जो है वो एम करता है बेसिकली डेवलप करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस एक डाटाबेस बनाएगा किस चीज़ का तो आर्ट फॉर्म्स का आर्टिस्ट का और बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो हमारे कंट्री में हैं और उनको कवर करेगा ये लगभग लगभग इनके कवरिंग रेंज होगी वो 6.5 पॉइंट फाइव विलेज होंगी हमारे पूरी कंट्री में यह जो प्रोग्राम है वो डॉक्यूमेंट करेगा कल्चरल आइडेंटिटी का विलेज लेवल पे दिस प्रोग्राम विल डॉक्यूमेंट द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द विलेजेस ऑफ द विलेजेज एट द विलेज लेवल ठीक है इसमें क्या करेगा सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जाएगा और उनको उनसे पूछा जाएगा उनसे उनके बारे में जाना जाएगा कि कैसे उनकी विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट यूनिक है ये बताइए जैसे मान लीजिए मिथिला की बात कर लेते हैं तो वहां पे एक तो मिथिला मखाना को जी टैग मिला है साथ में मिथिला पेंटिंग के बारे में मिथिला जो बिहार में एक, एक डिस्ट्रिक्ट है मिथिला जो बिहार में एक मिथिला जैसे कि मधुबनी हो गई वो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है वो मिथिला मिथिला में पड़ती है मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर ये ये तीनों मिलके मिथिला बनाती है ठीक है तो कैसे यूनिक है इन चीज़ों के बारे में बताना होगा कल्चरल में जो मैपिंग होगा एसेट्स की बेसिकली सेवन और एट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है विलेजेस को जैसे दे आर इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली डेवलप इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है कि नहीं डेवलपमेंटली एंड स्कॉलरिस्टिकली इंपॉर्टेंस कितना रखते हैं और साथ साथ में कुछ फेमस टेक्सटाइल को प्रोडक्शन हो रहा है नहीं या फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट को वो जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं और साथ साथ में वो किसी हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल इवेंट से कनेक्टेड है कि नहीं जैसे सीता सीतामा का सीतामढ़ी सीतामढ़ी जाओगे तो वो हिस्टोरिकल साथ साथ माइथोलॉजिकल कनेक्शन भी है वहाँ पर ठीक है जैसे महाभारत से है कि नहीं है इस तरीके का कनेक्शन खोजा जाएगा जिसमें सात से आठ तरीके की कंडीशंस निकाली जाएगी जिसमें ये खोजा जाएगा कि वो विलेज जो है वो किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिकली यूनिक शो कर रहा है मेरा गांव मेरा धरोहर के तहत ठीक है अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के कल्चर दो के बारे में लॉन्च हुआ 2017 में इसका एम क्या है टू बिल्ड अ अम्प्रीहेंसिव डेटाबेस डेटाबेस बनाना आर्टिस्ट का आर्ट फॉर्म्स का और अदर कल्चरल रिसोर्स का ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली इसमें क्या है प्रिजर्वेशन करना है इंडियन आर्ट का कल्चर हेरिटेज को मैप ऑफ द कल्चरल कैनवास को और कैसे हमारे कंट्री में कल्चरल वाइब्रेंसी को लाया जाएगा हमारे पूरे नेशन में देखिए इंडिया को जाना ही जाता है उसके कल्चर के बारे में कल्चर से अगर इंडिया कल्चरली वाइब्रेंट है तो इंडिया इंडिया है ये समझिए कहते हैं ना जैसे पहले कहा आता था, था कि इंडिया गाँव में बसता है तो गांव कैसे बस गांव से कैसे डिफरेंट है हमारे शहर से तो कल्चरल कल्चर से डिफरेंट है हर गांव में आपको अलग अलग कल्चर मिल जाएगा जैसे हरियाणा में जाओगे तो बाहर में आपको प्याऊ मिल जाएगा पंजाब में जाओगे तो आपको बाहर में खटिया मिल जाएगा जहां लोग सोए हैं किसान सोए हैं बहुत ही सुंदर मतलब इंडिया में अगर यूनिफाइड यु, किया जाए तो बहुत ही सुंदर है ठीक है तो आप किस गांव से बिलोंग करते हो ये भी बता दो और अगर कुछ वहां का इंपॉर्टेंस है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर हम लोग बात करें इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वाज हैंडेड ओवर टू ये जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाएगा वो किसको दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जिसको आई कहते हैं दो में दिया गया था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जो है वो हुआ था 1987 में यह एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है कहने का है मतलब सारा पावर इन किसके पास खुद है किसके मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है ये एज सेंटर फॉर रिसर्च अकेडमिक परस्यूट डिसमिनेशन डेस्टिनेशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स तो आर्ट को ही निकालना है आर्ट को ही हर जगह से यूनिकली आइडेंटिफाई करना इनका मेन काम है अब हमारा नेक्स्ट करेंट अफेयर है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक तो जिस तरीके से नोबेल मिलता है साइंस में पीस में तो स्टैटिस्टिक के लिए एक प्राइज मिलता है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक ये भी एक नोबेल का है स्टैटिस्टिक में तो एक मिला है एक इंडियन अमेरिकन है इंडियन अमेरिकन कहने का यह मतलब होता है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं किया जाता है मतलब अगर आप यूके यूएस की सिटीजनशिप को लेते हो तो आपको यू विल हैव टू गिव योर इंडियन डायस्फोरा सिटीजनशिप इट्स रिटर्न इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना है ये कौन से आर्टिकल में लिखा है ठीक है अब आप एक चीज बताइए मुझे सिटीजनशिप से फायदा क्या होता है और इंडिया सिंगल सिटीजनशिप पे क्यों फोर्स करता है हमेशा आखिर वजह क्या है सुंदर पिचाई अगर वो डुअल सिटीजनशिप इंडिया अलाउ करता तो वो इंडियन भी रहते अब तो लोग कहते हैं ना उसको इंडियन ओरिजिन के हैं इंडियन डायरेक्टली नहीं कहते इंडियन ओरिजिन के कहते हैं तो आपको बताना है ठीक है तो इंडियन अमेरिकन सी आर राव जो है ना वो जीते हैं नोबे प्राइज इक्विवेलेंट है, है स्टैटिस्टिक में में 102 साल में, 102 साल उनकी उम्र है उनको ये अवार्ड दिया गया है 1945 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था कहां पे तो बुलेटिन ऑफ द कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी के अंदर जहां उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था थ्री फंडामेंटल रिजल्ट जो कि पेव्ड करता है जो कि रास्ता बनाता है मॉडर्न फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोवाइड स्टैटिकल टूल्स एक मॉडल डिस्क्रिप्शन दिया था एक फंडामेंटल रिजल्ट को बताया था कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी के बुलेटिन में तो नाइनटीन फोर्टी फाइव में जो उन्होंने काम किया था उनका अभी उनको मिल रहा है एक सौ दो साल की उम्र में समझ रहे हो आप सुनियो इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं इंटरनेशनल प्राइज जो स्टैटिस्टिक में है यह अवार्ड दिया जाता है मेजर अचीवमेंट्स में स्टैटिस्टिक के फील्ड में एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर के केस के में भी इसको दिया जाएगा स्टैटिस्टिक के केस के में ही ये एम्बेट्स आते हैं एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर यह जो अवार्ड है हर दो साल में एक बार दिया जाता है किसी इंडिविजुअल को या टीम को बाय अ कोलेबोशन एवं फाइव लीडिंग इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो पांच इंटरनेशनल स्टैटिकल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर देते हैं ठीक है एक चीज मैं आपको और बता दूं अगर हम लोग प्राइज की बात करें तो यह प्राइज को मॉडल किया गया है नोबेल प्राइज की तरह ठीक है एबल प्राइज जो मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है फील्ड मेडल आपको बताना है किस फील्ड में दिया जाता है और ट्यूरिंग अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है ठीक है इस इस प्राइज के साथ स्टैटिकल प्राइज के साथ जो मॉनेटरी अवार्ड है वो अस्सी हजार डॉलर है आप समझ लीजिए एटी थाउजेंड इंटू एटी रुपीज कर लीजिए ठीक है यह प्राइज जो है ना वो रिकॉग्नाइज करता है सिंगल वर्क या फिर कलेक्टिवली बॉडी ऑफ वर्क को जो कि रिप्रेजेंट करता है एक पावरफुल और ओरिजिनल आइडिया को जिसका इंपेक्ट पड़ा है हमारे सोसाइटी में हमारे डिसिप्लिन में और प्रैक्टिकल इफेक्ट पड़ा है पूरी दुनिया पे। जो है वो जिंदा होना चाहिए तो ये एक साल के हैं तो लगभग ये जाने ही वाले थे उससे पहले दे दिया गया ठीक है द फर्स्ट इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक जो पहला अवार्ड स्टैटिस्टिक में दिया गया था वो अवार्ड किया गया 2017 में डॉक्टर आर कॉक्स जी को जी को किस चीज के लिए मिला था डेवलपमेंट ऑफ कॉक्स प्रोपोर्शनल हेजार्ड्स मॉडल यह मॉडल जो उनके द्वारा रेट है, तो है किसी भी कॉम्प्लेक्स में यह फ्यूचरिस्टिक मॉडल की तरह बताता है तो इसके लिए आरकॉक्स जी को पहली बार दो में दिया गया था याद रखिएगा दो में पहली बार दिया गया तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल आई एस पी सिंप्लीफाइड अगर आपको लगता है मेरा करंट अफेयर आपको हेल्प कर रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप ये भी बता सकते हो अगर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना हो कुछ चेंजेस लाना हो तो आप एक बार मेरे को रिकमेंड कर दीजिए क्योंकि तो मैं इस फील्ड में नया हूं मुझे उतना भी एक्सपर्टीज नहीं है कैसे बनाए किस तरीके से बनाए किस तरीके से डिलीवर करें ठीक है अगर आपको लगता है कुछ लुप हो जा रहे हैं तो आप मेरे को बता सकते हो ठीक है थैंक यू